नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। कोरकाझार असम के सांसद उकवा क्षेत्र के आदिवासियों के बीच पहुंचे, आदिवासियों को संबोधित किया गया। जयबड़ा देव एकता समिति उकवा के प्रांगण में लोकसभा सांसद श्री नव कुमार सारनिया असम का 11 सितंबर 2023 को उकवा आगमन पर आदिवासी समाज के द्वारा जबरदस्त स्वागत किया गया एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सामाजिक संगोष्ठी में भाग लिया गया और आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार, शोषण एवं अमानवीय को कृत्य पर गौर करते हुए कहा कि हम सबको एक होना पड़ेगा। इसके बाद उनका कार्यक्रम परसवाड़ा मुख्यालय में सामाजिक सम्मेलन एवं चिंतन कार्यक्रम का संबोधित किया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित हिरासन बाई उइके सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच सुनील उइके, जय बड़ा देव एकता परिसर उकवा के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ में भूतपूर्व विधायक परसवाड़ा के दरबू सिंह उइके ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में अनेकों बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई गई, उसके बावजूद भी आदिवासियों पर अत्याचार पर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए हम सभी आदिवासियों को एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। जिस तरह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर सभी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाया एवं अधिकार दिलाया, उस अधिकार को कोई भी दिला नहीं सकता है। इसलिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए अनुसार मार्ग पर चलना उचित होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में भूतपूर्व सरपंच सोनबती मंडावी, ग्राम पंचायत रूपझर सरपंच अनिता मरसकोले, मनीराम तेकाम, जियालाल अर्जुन मरकाम, देव सिंह उइके, अशोक इड़पाचे, राजेंद्र तेकाम, राजेंद्र उइके, सुनील मरकाम, किशन सिंह उइके, हरिचंद पंद्रे, रविशंकर पंद्रे, धन सिंह उइके, रोशन उइके, महेश उइके, हरे सिंह पंद्रे, फागुलाल सिरसाम आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब आदिवासी होने के नाते आदिवासी के लिए आपको जरूर लड़ना पड़ेगा। सभी वर्ग का अगर हम छोटा छोटा दुकान बना के हम अपना ड्यूटी चलाएंगे तो चले वाला नहीं, तो मेरे तमाम जो हमारा सामाजिक या धार्मिक लोग है ये है ले लेंगे उस दिन तो आपका हाल ही पहला है। मैं पक्का वादा दिलाता हूँ, ज्यादा नहीं, बालाघाट का यहाँ का जो एमएलए है या एमपी है, आप दोनों जिंदाने का कष्ट करो, आप देखिए देखेगा आपका तकदीर लिखने का शुरू हो गया, अभी खाली है पूरी करके। वो आपने कौन के लिए, आपने लोगों के लिए हर अधिकार में कुछ नहीं पा सकते, मेरे उसको बड़ा नहीं मानेंगे। ये सिस्टम ने उसको मजबूर कर दिया, अगर किसी मोदी राहुल का वो पाव नहीं सुनेंगे तो कभी गिनती नहीं हो नहीं पाएंगे। उसको तेल मालिश जब तक नहीं करेंगे उसको अपना मिनिस्टर या नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो हमने एमपी बनने के बाद जो हमारे समझ में आया, क्योंकि मैं भी इसी नहीं जुड़ा सकता हूँ, मेरा आदिवासी भाई भी जुड़ा नहीं सकते, तो ये लड़ाई हमारा लड़ाई है, आपका लड़ाई है, ये लड़ाई हमको ही लड़ना है। उसमें मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा आसाम का भी सत्तर से आता हूँ, ये हमारा आदिवासी का गोदाम बहुत है, ये तकरीबन 20 से 25 लाख होगा बोलने का, लेकिन अभी ड्रोन जो लोग थे ये लगभग 3-7 करोड़ के हैं। बिल भी है विदेश, आप सबको मैं आभारी हूँ, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आपको पता ही चला। और साथ में खड़े बंदूकधारी सैनिक, सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग, आपको भी सेवा जोहर करती हूँ और तहे दिल से आपने। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।